की तैयारियां, इन सबके बीच में सच्चाई क्या है और वजाहत इस पर वजारत दिफा की वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा बयान और इसके अलावा आज आपको बताएंगे कि तेज तरार जंगी तैयारा राफेल जो कि आज जिसकी एंट्री इंडियन एयरफोर्स में हो गई है, और इस मौके पर जो आज तकरीब हुई वहां पर डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया और बड़ी बात आज उनके जो फ्रांसीसी हबनसब थे उनकी तरफ से की गई, इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से क्या कुछ कहा गया और CDSP इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएंगे कि एक बड़ी मुलाकात थोड़ी देर पहले हुई है और सरहद के पार भी हलचल काफी ज्यादा है, अभी 1 से 1.5 घंटे के दौरान देखी गई है, क्या है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक और अहम मौजू, जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर पानी की काफी ज्यादा किल्लत, कई इलाकों के अंदर लोग आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वापस क्या डायरेक्शंस दी हैं, इंतजामिया को क्या कुछ कहा गया है, क्या तहरीरी तौर पर बताने की कोशिश की गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और अदालत उज़्मा के अहकाम के बाद जमीनी सूरत हाल क्या वाकई में बदलेगी या नहीं, क्या मकामी सतह पर इस तरह के मामला को सुलझा लिया जाएगा। महकमा जल शक्ति जिसका नाम तो बदल गया लेकिन शक्ति में शायद कहीं शक्ति प्रदर्शन करने में अभी भी ये महकमा नाकाम रहा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं और बात दिल्ली तक आज पहुंची। इसके अलावा आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर COVID-19 की एक बार फिर केसेस, कल के मुकाबले आज जरूर कम केसेस आए हैं लेकिन तबाही के मनाजिर कुछ हिस्सों के अंदर, आज वादी से ज्यादा केसेस सामने आए और ज्यादा अमवात जम्मू सूबे के अंदर हुई है, सरकारी आदादोशुमार क्या कहते हैं, जबकि 5 बजे के बाद यानी सरकारी बुलेटिन पहले और उसके बाद की तफसीलात क्या कुछ हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं उन मसाइल पर जो आवाम के हैं, आवाम से जुड़े हुए हैं, वो मामला जो इंतजामिया तक पहुंचाने की कोशिश एहतजाजियों के जरिए या अपील करके पहुंचाने की कोशिश की गई, और बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के तीनों मुशीर आज काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए, आरत भटनागर का मैसेज एक तरफ, दूसरी तरफ एडवाइजर बसीर खान और फारूक खान के आज अवामी दरबार में क्या कुछ खास देखने को रहा, क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से कहा गया, इस पर आगे चलकर आपको तफसीलात फराहम करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां इस पर भी आपको ताजा तरीन तफसीलात बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जिसकी शुरुआत हम प्रोग्राम में सबसे पहले इस खबर को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि LAC पर जो डेवलपमेंट अभी थोड़ी देर पहले हुई है उसके बाद दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर भी हलचल देखी जा रही है, लेकिन रूस के शहर मॉस्को के अंदर राजधानी दारुलहुकूमत जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था, और इन्हीं मुलाकातों में से सबसे खास लम्हा वो जब भारत और चीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई। थोड़ी देर पहले LAC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर और वांग यी जो कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे मुलाकात हुई, देर शाम गए उज़्बेकिस्तान और रूसी हम मनसब से भी मुलाकात हुई सुब्रमण्यम जयशंकर की, और इस मुलाकात में खास बात यह थी कि चीनी हम मनसब से जब मुलाकात हुई वांग यी एक तरफ एस जयशंकर और सेंटर में रूसी हम मनसब खड़े थे, मुलाकात तो हुई लेकिन ये जो फासला बीच का है ये कितनी देर तक बना रहेगा बड़ा सवाल ये है, इस पर आगे बात होगी आज की मीटिंग में। LAC पर ही तबादला ख्याल किया गया, और इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल रूस के शहर मॉस्को के अंदर हुआ तो दूसरी तरफ तैयारियां बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर और चीन की तरफ से भी उस तरफ से की जा रही है। थोड़ी देर पहले एक और बड़ी खबर आई कि फूड पैकेट या जो खाने पीने की चीजें थी वो पैक करके चाइनीज आर्मी की तरफ से LAC पर अपनी फौज तक पहुंचाई गई, और इस हलचल को देखने के बाद भारतीय फिजाइया मजीद कुछ सरगर्मियां बढ़ी हैं, अलर्ट पर हैं, ये भी तफसीलात मिल रही कि इन इलाकों के अंदर अब रात भर फौजी जवानों की नजर रहती है जो LAC की सूरत हाल है। लेकिन एक बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी बताते चलें कि जब चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी जिनसे मुलाकात हुई SCO इजलास के साइडलाइन पर, जिस इजलास में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, बातचीत होती है, रूबरू होते हैं, आमने सामने बैठकर डायलॉग्स होते हैं, वो बातचीत इस बार नहीं हुई, ये साइडलाइंस पर हुई, पहले लंच के समय रखी गई थी और जो वहां का मॉस्को का वक्त है भारतीय समय अनुसार 6 बजे, भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे मुलाकात हुई, लेकिन ये जब मुलाकात हुई उससे पहले एक बड़ी चीज ये भी देखी गई कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी वांग यी से मुलाकात करने पहुंचे, यानी भारत और चीन कशीदगी को कम करने के लिए जो मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, तेज कर रहे हैं, जो सफारती सतह पर बातचीत या मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ इससे पहले एक बड़ी मुलाकात, क्या कुछ उस मीटिंग में रहा होगा ये बड़ी चीज देखने वाली, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो बताया जा रहा मुलाकात तो हुई, दो तरफा मुज़ाकरात
बढ़ाने की या ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों पर बातचीत तो हुई, लेकिन भारत के हवाले से क्या बात हुई होगी इस पर किसी ने अभी तक तस्दीक नहीं की है। हाँ, इस खबर की जरूर तस्दीक हो चुकी है कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज करीब शाम 6 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक चीनी हमसब वांग यी से मुलाकात की, रूस के वजीर खारजा से भी मुलाकात की, बातचीत हुई, डील्स होने पर बातचीत हुई, डिफेंस डील जो है उसको लेकर यहां पर तबादला ख्याल हुआ। लेकिन भारत और चीन के वज़ीर खारजा की मुलाकात से पहले चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि इन मुलाकातों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है, उस तनाव भरे सूरत हाल में कोई कमी वाकई नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी तनाव देखा और माना जा रहा है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर यहां पर इससे भी ज्यादा एक्टिविटीज दोनों अफवाज की तरफ से देखी जा सकती है। चीनी न्यूज एडिटर सनम एजाज भी श्रीनगर से हमारे साथ हैं। पहले उनके पास चलते हैं क्योंकि एलओसी की सूरतेहाल के बाद वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर एलओसी पर भी काफी ज्यादा तनाव तो कुछ हिस्सों के अंदर जरूर है, गोलाबारी हुई है, दोनों अतराफ से फायरिंग के बीच खौफजदा अवाम हो रही है, लेकिन कुछ अफवाहें भी है। और पहले मैं मीटिंग पर आऊंगा सनम, अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन भारत और चीन की मुलाकात के बीच एक नया पहलू या नया मोड कह लीजिए उस वक्त देखा गया जब वांग यी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मिले, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से मुलाकात की। लगता है क्या अब इसके बाद बात बनेगी, क्या कुछ बातचीत हुई होगी दोनों के दरमियान उस वक्त जब एलएसी पर तनाव करने की कम करने की कोशिश है, तो बातचीत तो हुई लेकिन उससे पहले उस साथी के साथ मुलाकात होती है जो पिछले कुछ दिनों से बयान दे रहा था चीन के साथ होने का और तनाव काफी ज्यादा उस वजह से भी बढ़ रहा था। देखिए आसिफ, बिल्कुल इस जंग को आप कोई लगभग टाल नहीं सकता है। पहला अंदाजा इससे ले लीजिए जंग होगी कि नहीं। यूजुअली जंग में फौजियों के पास खाने पीने की अशिया नहीं पहुंचाई जा सकती है जब सिचुएशन एलएसी या किसी भी बॉर्डर पे हो, और चाइना ने उस सिचुएशन को बांप लिया है कि जंग होगी। और इस हवाले से आज बाजाबता तौर पर चाइना ने अपने फौजियों को वो फूड पैक्स पहुंचाए हैं, ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है, वो फूड पैक्स पहुंचाए जो जंग में इस्तेमाल होते हैं और 15-15 दिन के लिए ये जंग में उनके पास एक जो एडिशनल राशन होता है वो उसके तौर पे पहुंचाया गया है। यानी 15 दिन का राशन जो है फौजियों को चाइना ने पहुंचा दिया है। तो साफ जाहिर है इससे अंदेशा नहीं, बल्कि आप पूरी तरह साफ यकीन कर लीजिएगा कि ये जंग की शुरुआत है। चाइना ने अपने फौजियों को रसद भी पहुंचाई है, एक रसद हो गया कि उनकी कमक जो होती है, कमक हम उर्दू में कहते हैं कि वो हथियार वगैरह, वो अलग होता है, वो डम पहले होता है, लेकिन रसद जो होती है खाने पीने की जो उन्हें चीजें फौजियों को होती हैं वो शॉर्ट्स पहन के होती हैं, उनका एक दो दिन का स्टॉक होता है। लेकिन आज चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तस्वीर भी, उसका वीडियो भी डाला है और ग्लोबल पोस्ट पे अभी एक घंटा पहले ग्लोबल पोस्ट की न्यूज पढ़ रहा था, उसमें वांग ली और इनके हिंदुस्तान के वजीर खारजा की जो मुलाकात थी उस हवाले से उसे तजिया करते हुए एक बड़ा एडिटोरियल लिखा हुआ है। और उसमें भी ये लिखा है कि एक तरफ से वो अपने उस एडिटोरियल में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर बनाने की बात करता है, साथ साथ में हिंदुस्तान पे ही इल्जाम लगा रहा है कि ये मेरी टेरिटरी में आ रहा है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट मुद्दा वो चाइना और इंडिया एंड यूएस रिलेशंस को उठाते हुए ये बता रहा है कि चाइना इस वक्त हिंदुस्तान समझ रहा है कि मेरे साथ अमेरिका आएगा, लेकिन हिंदुस्तान को वो उसमें लिखता एक तरह से मुतबे कर रहा है कि हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, वो कभी भी किसी की जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होगा। तो उस एडिटोरियल से पढ़ने से ग्लोबल टाइम्स जो उनका ऑफिशियल ऑर्गन है, जो स्पोक्समैन है उनका, वह ये बता रहा है। और उसके बाद अब अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहां से देखें, कल रात से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सूरत हाल बनी है जिसमें हवाई सर्विसेज की जो खिदमात यहां से ली जा रही है, यहां से कल आईटीबीपी को आगे भेजा गया है, वो फॉरवर्ड पोस्ट पे गई हुई है। और चाइना का भी जो है उन्हें फिंगर 4 फिंगर 2 पे बंकर बनाने की कोशिश की गई है। फिर कुछ खबर ये यहां से ये भी है, मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि यहां कुछ हाइट्स जो है यहां पे उन पे कब्जा करने की कोशिश इधर की तरफ से की गई है। तो ये सारी सिचुएशन है, एक छोटी सी चिंगारी इसमें साफ जाहिर है, वो परसों चल गई थी, गोली चल गई थी, लेकिन शायद वो गोली तब हवा में थी, अगली गोली क्या होगी। और फिर
इम्पोर्टेंट। आज आप देखिए दो वज़राए खारजा मिलते हैं, चाइना का वज़राए खारजा मिलता है, पहले जमाने में जब हालात कंडीशन होते थे या इस तरह के, तो तब वो गले मिला करते थे, तब फेस टू फेस होते थे, और आज अपने अपने झंडे के नीचे यही कहते हुए, यही मैसेज देते हुए कि आप अपनी करो, हम अपनी करेंगे, हम अपने मुल्क के वफादार हैं, अपने मुल्क के वफादार हैं। ये दोनों तीनों वज़ीर खारजा, बीच में रशिया का वजीर खारजा भी था, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ चीन और हिंदुस्तान के, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जब चाइना का वजीर खारजा और हिंदुस्तान का वजीर खारजा मुलाकात करता है, उससे पहले पाकिस्तान बीच में आके पहले ब्रीफ करता है, चाइना के वजीर खारजा को ब्रीफ करता है कि भाई साहब आप हमारे दोस्त हैं, हमने आपको सी पैक दिया, हमने आपके लिए सारे आपकी फौज को हमने पाकिस्तान में रखा हुआ है, तो इसमें आप कोई ऐसी बात नहीं हिंदुस्तान से करना कि हमारे मुफादात को जख्म पहुंचो। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुफादात में बहुत से मसले, सर क्रीक से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान तक, ये सारे मामला थे, पाकिस्तान की उन पर नजर जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए हम दोनों चीजों को जोड़कर देख रहे हैं। हमने ये भी देखा कि एलएसी पर जहां पर पुरतनाव सूरत हाल है, तो मैं अब दूसरे सवाल की तरफ आ रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर वजाहत भी आई है वजारत दिफा की तरफ से। जब आपने पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान से लगने वाली सरहदें, चीन के साथ क्या कुछ हो रहा वो तो हमने बताया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर कशीदगी जरूर आए दिन हम देखते हैं, 24 घंटों में कहीं ना कहीं गोलाबारी होती है, लेकिन आज फायरिंग एक तरफ हुई 45 साल बाद, तो दूसरी तरफ खौफ का माहौल है और महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये खबर किस हद तक सही है इसकी वजाहत कीजिएगा, क्या कुछ वजीर दिफा की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से जो तहरीरी बयान आया उसमें कहा गया है, और किन इलाकों को लेकर जो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी कि बहुत सारे इलाके हैं जिनको खाली कराया जाना है 24 घंटों के दौरान, किस हद तक ये खबर सही मानी जाए? देखिए बिल्कुल आसिफ, किसी भी इलाके को सरकारी तौर पे खाली नहीं कराया जा रहा है, ऑफिशियल तौर पे कहीं कोई एक्शन नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जंग के बादल मंडला रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के इलाके के में रहने वाले लोगों को यह मालूम है, वो ये जानते हैं कि अगर जंग होती है तो पहला टारगेट यही इलाके होंगे। अगर चाइना हमला करता है या हिंदुस्तान हमला करता है, चाइना हमला करेगा तो वो लद्दाख के आसपास के जो एलएसी के आसपास के गांव हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके इलाकों में फौजी छावनी, उन पे अटैक्स होंगे, और अगर हिंदुस्तान हमला करता है तो ये एलएसी के उस तरफ के जो नजदीक के इलाके होंगे, क्योंकि पहले अटैक में अंदर जाके हमले नहीं होते हैं, हमने करगिल जंग में भी दिखा है बॉर्डर के इलाकों पर अटैक्स होते हैं, और फिर इन सब को देखते वो लोग खुद समझते हैं कि जान बचानी है, गोले में ये नहीं देखता है कि ये किस मुल्क का है, कहां से आएगा, क्या आएगा, गोला गिरता है तो नुकसान करता है। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन जो है, आज भी जम्मू के पुंछ सेक्टर में, दगवार सेक्टर में गोलाबारी हुई है, और सुबह 5:15 बजे करीब हुई गोलाबारी से ये पूरा इलाका दहल उठा था। एक तो ये दहशत जो पहले से है उस पे इस वक्त जंग के बाद मंडला रहे, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी इलाके हैं वहां जो लोग हैं, जो आसूदा हाल है, फिलहाल मैं आपको बताऊं जो आसूदा हाल है, जो बाहर के हैं, जिनके पास कोई रिश्तेदार बाहर है, जिनके पास कोई अकोमोडेशन बाहर है, जो बाहर कहीं दूसरे इलाकों में सेफ इलाकों में रह सकते हैं, तो वो वहां से अपने इलाकों से माइग्रेट हो चुके हैं। मैं आपको इस तरह से बताऊं, कुपवाड़ा का टंगडार है, मछिल है, केरन है, या यहां से नौगाम सेक्टर है, वहां जो जो भी मैं आसूदा हाल की बात करूंगा, जिसके पास कुपवाड़ा के मेन टावन में, श्रीनगर में, सोपोर में कहीं अकोमोडेशन है या कोई रिश्तेदार है, तो वो माइग्रेशन पिछले हफ्ते से ही वहां से कर चुके हैं, अपने बच्चों को, खवातीन को निकाल चुके हैं वहां से, अब वहां पे उनके वही लोग बैठे जो इंतजार में अपना मवेशी वगैरह को या वहां की खेती है उसकी देखभाल की जा रही है, बाकी वहां पे उनकी पॉपुलेशन नहीं है। ये माहौलियाती तब्दीली ने, क्लाइमेटिक कंडीशंस ने मजबूर किया है या वाकई में एलओसी पर भी हालात ऐसे बने? देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरथाल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरथाल से किया है। माहौलियात के बारे में जम्मू कश्मीर और खासतौर पे इन इलाकों के लोग बहुत कम जानकारी रखते हैं, इतने उनके पास नॉलेज नहीं है कि माहौलियात क्या है और माहौलियात के क्या असरात अब मुरतब हो रहे हैं हमारी रियासत में, दुनिया में, सब यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सिर्फ असर है इस वक्त
का डर का खौफ का और खौफ और डर की वजह से ही ये लोग, चाहे वो मच्छल का इलाका है, चाहे गुरेज का इलाका है, चाहे टंगडार का है, करना के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है। और अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखें तो चुशूल या दूसरे जो ऊपरी इलाके हैं जहां करगिल में, लद्दाख में, वहां बस्तियां तो हैं, थोड़ी दूर दूर बस्तियां हैं। लद्दाख की ये जियोग्राफी भी है कि वहां बस्तियां दूर दूर है, वहां गन्नी बस्तियां नहीं है, लेकिन वहां जो भी आसुदा हाल है बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में रहने वाला है वो माइग्रेशन कर चुका है या कर रहा है, या अगर कोई अभी है तो वो प्लानिंग कर रहा है कि कब मैं निकलूं यहां से। दोबारा सरहदों पर बात करेंगे क्योंकि वजीर दफा का एक बड़ा बयान आज सामने आया है और आज दिन भर जो मामला सुर्खियों में रहा है या जिस पर ज्यादा बात हुई वो राफेल जहाज का भी था। क्योंकि दोबारा मैं सनम आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में, क्यों एक बड़ा बयान आज फ्रांस की जो वजीर दफा थी हिंदुस्तान के दौरे पर, वो बतौर मेहमान खुसूसी आज मौजूद रही इस तकरीब में जहां पर राफेल तैयारों का आज सबसे पहला जो डेमो दिखाया गया और उसके बाद यहां पर बाजाबता तौर पर एक्सरसाइज शुरू हुई। लेकिन फ्रांस से खरीदे गए इंतहाई जदीद जंगी तैयारे जिसे राफेल के नाम से जाना जाता है, बाजाबता तौर पर फिजाइया के लड़ाकू बेड़े में आज शामिल कर दिया गया। और इस मौके पर आज जो तकरीब हुई राजनाथ सिंह के साथ साथ फ्रांसीसी वजीर दफा फॉरेंस पाले भी यहां मौजूद रही और हरियाणा के अंबाला में वाकई फिजाइया के स्टेशन पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। 5 तैयारे जिनको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 का हिस्सा बना दिया गया। ये तैयारे 27 जुलाई को भारत आए थे। इससे पहले राफेल ने भारत के दीगर लड़ाकू तैयारों के साथ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था और आज की तकरीब जो थी यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा फिजाइया के सरबरा चीफ मार्शल RKS भदौरिया, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार, DRDO के सरबरा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वजारत दिफा और मुसल्ला फौज के कई सीनियर अफसर मौजूद रहे। और आज सलूट देकर राफेल ने सबसे पहली जो उड़ान भरी उससे पहले उसे वाटर सलूट किया गया। और चीन के साथ लंबे वक्त से सरहद पर जारी तातुल के दरमियान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि राफेल जंगी तैयारों से फिजाइया की ताकत और सलाहियत कई गुना बढ़ गई है। और दूसरी बड़ी बात उनकी ये कि अपनी सरहदों तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमन का भारत ख्वाहां है। दूसरी तरफ फ्रांसीसी वजीर दिफा को सुने तो उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त जो फ्रांस है वो अक्वामे मुतहदा सलामती काउंसिल में भी हिंदुस्तान के मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत करता है। उससे पहले आपको डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सुनाते हैं, राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसके बाद सनम मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। साथियों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारी भूमिका इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। जहां एक ओर हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें स्पॉन्सर टेररिज्म के खतरे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथियों, आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैल्यूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। हमारा देश और समाज आप लोगों की वजह से सुरक्षित
और आत्म सम्मान की जिंदगी जी रहा है। हमें उसे किसी भी कीमत पर बरकरार रखना ही है। तो वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह जो कि अंबाला में हुई तकरीब में खिताब कर रहे थे।